स्टूडेंट्स, मैं यहाँ महिला महाविद्यालय में प्रिंसिपल हूँ, लेकिन पहले मेरठ कॉलेज मेरठ में एसोसिएट प्रोफेसर से यहाँ विज्ञापन संख्या 49 में चयनित होकर मैंने जनवरी में ही यहाँ ज्वाइन किया है। और ड्राइंग डिपार्टमेंट में वहाँ मैं एसोसिएट प्रोफेसर के काम पद पर कार्यरत थी। और हमारे यहाँ काफ़ी समय से पीजी और यूजी कोर्सेज चल ही रहे हैं और 6 स्टूडेंट्स अभी मेरे अंडर में रजिस्टर्ड हैं जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए परस्यू कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि काफी कुछ सिलेबस, जितना कि मैम ने मुझे बताया है कि आपका कवर हो चुका है, लेकिन एक फोर्थ यूनिट में, आई थिंक ये टॉपिक है आपका फोर्थ यूनिट में, न्यू ट्रेंड्स इन मॉडर्न आर्ट। ओके, तो उसमें आपका जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि मॉडर्न आर्ट का जो क्राइटेरिया है वो आप कब से मानते हैं, ये मेरे ख्याल से जो हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की जितनी भी आर्ट एक्टिविटीज हैं सब इसी में, बल्कि उससे भी पहले बिफोर, क्योंकि अमृता शेरगिल से हम मॉडर्न फेज में आ जाते हैं, उससे पहले बंगाल स्कूल। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको हिस्ट्री ब्रीफ करूंगी, बीच बीच में आप रेस्पॉन्स कीजिएगा, ठीक है? तो आपने प्री हिस्टोरिक से पढ़ा होगा हिस्ट्री को, अभी इंडियन हिस्ट्री। और ये मॉडर्न ट्रेंड, आई थिंक इंडियन मॉडर्न ट्रेंड ही मैं आज ले रही हूँ, यानी कि भारतीय चित्रकला में आधुनिक प्रवृत्तियां। तो क्या क्या प्रवृत्तियां भारत की चित्रकला में आई हैं जो आधुनिक कला को और अधिक आगे तक लेके गई हैं, जिसमें प्री हिस्टोरिक से आप पढ़ते हैं वो इंडियन हिस्ट्री हो गई, चित्रकला का भारतीय इतिहास, जिसमें वहां आपने पढ़ा तो किस तरह की कलाकृति की, किस तरह से मानव कला की प्रवृत्ति के साथ ही पैदा हुआ है। और सुन पा रहे हैं आप? यस मैम। बेटे कुछ रिजॉइन, यस, थोड़ा सा उधर हाथ लग गया मेरा, तो उससे थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो उसके बाद आपने देखा कि आदि काल से ही मानव की एक्टिविटी रही है, और वो हालांकि लाइन ड्राइंग्स है उसके द्वारा जो स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए उसने बनाई थी। फिर उसके बाद आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन की पेंटिंग्स देखी, वो पढ़ी। फिर इंडस के बाद आप उसमें गए जो गुफाओं में बाकी सब गुफाएं पेंट हुई हैं, जिनमें की बाघ, अजंता, सिगीरिया, बादामी, सितनवासल, ये सब पढ़े हैं आपने, क्योंकि जब ये समझ लेंगे तो हम न्यू ट्रेंड्स पे बात कर पाएंगे। तो सब आपकी समझ में है, ठीक है? नेक्स्ट, फिर जब ये केव आर्ट से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे एक पीरियड आता है पाल पेंटिंग्स का, जो मध्यकालीन कला के नाम से हमने यहाँ एक बैरियर बना रखे हैं कि वो उससे पहले की प्राचीन कला कहलाती है और यहाँ से मध्यकाल की कला में हम प्रवेश करते हैं पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से। तो जो पाल राजाओं के संरक्षण में फली फूली, तो उस वही पाल शैली कहलाई। फिर उसकी आपने विशेषताएं देखी होंगी, उसके पेंटिंग्स देखे होंगे। फिर उसके बाद आप आते हैं अभ्रंश में। अभ्रंश शैली में काफी हमें भारतीय कला में गिरावट देखने को मिलती है, जैसा कि उस समय की जो पहली हमारी एक स्वर्णिम इतिहास रहा है चित्रकला का, वो स्वर्णिम इतिहास मुगल इन्वेडर्स और दूसरे विदेशी आक्रांताओं के आने पर आक्रमणों से ध्वस्त होने लगा, वो चीजें खत्म होने लगी और लघु चित्रण शैली परंपरा फिर विकसित हुई भारत में इन्वेडर्स के कारण, आक्रमणकारियों के कारण, क्योंकि तब जो भित्ति चित्रण परंपरा बेसिकली यहाँ पर रही थी, और उसमें भी ये आपका फ्रेस्को टेक्निक में ज्यादा काम हुआ,
तो उसको फिर आक्रमणकर्ताओं से सुरक्षित रखने के लिए कला को लघु चित्रण शैली परंपरा पुस्तकों में आ गई। अभ्रंश शैली से हम ये ट्रेंड देखते हैं, उसके बाद राजस्थानी और मुगल काल पढ़ते हैं हम, पैरेलल दोनों की पेंटिंग्स हैं। राजस्थानी और मुगल के बाद पहाड़ी, जब मुगलों के द्वारा भी और राजस्थानी इन्वेडर फिर आए हमारे यहाँ आक्रमणकारी अंग्रेज। अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने के लिए जो राजनीतिक उथल पुथल हुई, उसके द्वारा चित्रकार फिर बेआश्रय होकर पहाड़ों में चला गया और वहां से पहाड़ी चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ। और पहाड़ी चित्रकला में हम लगभग राजस्थानी ही परंपरा को और अधिक बलवती पाते हैं और उसी परंपरा में आगे की चित्रण शैली चलती है। लेकिन चूंकि ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया था, तो धीरे धीरे कलाकार वहां से भी अपना आश्रय खोता है और कंपनी शैली की शुरुआत होती है। कंपनी में थोड़ा जो भारतीय चित्रकला थी वो निष्प्राण होने लगी और विदेशी प्रभाव भारतीय चित्रकला पर, हालांकि मुगल में भी फारसी प्रभाव आ चुका था, लेकिन यहाँ आकर कंपनी का और ब्रिटिश लोगों के द्वारा यूरोपियन प्रभाव यहाँ से चित्रकला पर आया है, भारतीय चित्रकला पर। फिर यूरोपियन के बाद, मैं बहुत शॉर्ट में ब्रीफ कर रही हूँ ताकि, क्योंकि जो मेन टॉपिक है उस पर जाया जा सके। फिर भारतीय कला पर जो आपने कंपनी शैली का प्रभाव देखा, धीरे धीरे आंदोलन होने लगे फिर उनके खिलाफ, न केवल राजनीतिक, जैसा समाज, कला हमेशा समाज का दर्पण होती है, तो जैसा समाज होता है वैसे ही चित्रकार का मनोभाव होता है। चित्रकला उससे कभी भी अछूती नहीं रह पाती जो हमारा सामाजिक परिदृश्य होता है। तो जब हमारे ब्रिटिश साम्राज्य में कंपनी शैली फलीभूत फल फूल रही थी, उस समय स्वदेशी मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ आया भारत में, तो वही मूवमेंट कला में भी आ गया और उस मूवमेंट के कारण बंगाल शैली का अभ्युदय हुआ। बंगाल शैली फिर हम पढ़ते हैं और बंगाल शैली में हमारे बहुत से ऐसे कला आचार्य रहे, कला गुरु रहे, जिन्होंने अपना बहुत योगदान दिया और यहाँ से नए ट्रेंड्स कला में आने शुरू हो गए बंगाल स्कूल से ही, क्योंकि बंगाल स्कूल में कला प्रयोगवादी होनी शुरू हुई। नए ट्रेंड्स का मतलब है कला में कुछ नए नए प्रयोग करना, नई नई प्रवृत्तियां लाना। शुरुआत तो ये बंगाल स्कूल से ही हो गई थी, क्योंकि बंगाल के जो कलाकार थे और जो प्रणेता रहे बंगाल स्कूल के, डॉक्टर अरविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस, जितेंद्रनाथ मजूमदार, और नाम है इसमें कई, जैसे कि देवी प्रसाद राय चौधरी, उन्होंने भी कुछ दिन बंगाल में स्कूल में काम किया है। वही कलाकार आगे अपनी कला को बढ़ाते चले गए और उन्होंने प्राचीन भारतीय चित्रकला से प्रेरणा लेकर भी कार्य किया। लेकिन अवनींद्र नाथ के चाचा गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर ने पुरानी वो जो वेस्टर्न कल्चर की अभिव्यंजनावाद था, उससे प्रेरणा ग्रहण करके नई प्रवृत्ति को चित्रकला, भारतीय चित्रकला में पदार्पण कराया। साथ ही नंदलाल बोस ने घनवाद से प्रभावित होकर घनवादी चित्र बनाए, सॉरी नंदलाल बोस ने नहीं, वो गगन नाथ ठाकुर ने, नंदलाल बोस की तो जो कलाकृतियां अजंता और एलोरा की तर्ज पर उनसे प्रभावित नहीं, गगेंद्रनाथ ठाकुर ने घनवाद से प्रेरणा लेकर घनवादी चित्र बनाए। तो ये जो नए नए टेक्निक्स और नए नए प्रयोग किए, और खुद बंगाल शैली के प्रणेता अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भी वॉश टेक्निक का इस्तेमाल भारतीय चित्रकला में, जो कि जापान की टेक्निक थी, और जापानी टेक्निक को भारतीय चित्रकला में इंक्लूड करके एक नया अध्याय शुरू किया भारतीय चित्रकला में, और वहां से चित्रकला आगे बढ़ती हुई आधुनिक रूप अपना
ले लेती है, जिसमें हम अमृता शेरगिल, एम एफ हुसैन, एक ये आपके तैयब मेहता और असंख्य कलाकार हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें फिर हम बात करते हैं कुछ उन ट्रेंड्स की, जो मेन मुख्य ट्रेंड क्या है कि कुछ लोगों ने लोक कला से प्रेरणा लेनी शुरू की, तो उसमें यामिनी रॉय ने काम किया। बेसिकली यामिनी रॉय उसी समय के कलाकार हैं, जिस समय बंगाल शैली भी भारत में चल रही थी, तो लोक कला से प्रेरणा, तो एक प्रवृत्ति क्या डेवलप हुई, लोक कला से प्रेरणा ग्रहण करके भारतीय चित्रकला को आगे बढ़ाने की। तो लोक कलाकारों, इसमें बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है, लेकिन यामिनी रॉय का नाम सबसे ऊपर है। कहीं कहीं तुमने जामिनी रॉय पढ़ा होगा, लिखा हुआ कहीं यामिनी रॉय। उन्होंने बंगाल की जो लोक कला थी, वहां की मिट्टी से कुछ खिलौने और जनजाति, ये कला थी, उससे प्रेरणा ग्रहण करके चित्र बनाए हैं। तो उसमें उनकी शैली को आपने देखा है, उनके चित्र देखे हैं जामिनी रॉय के बनाए हुए, यस मैम, वो बड़ी बड़ी आंखें, पटोलाक्ष जैसी, और मतलब लाइन में फ्लो उनके बहुत देखने को मिलता है, और सरलीकृत आकार उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। जबकि एक तरफ उसी समय राजा रवि वर्मा भी काम कर रहे थे, और राजा रवि वर्मा की टेक्निक पूर्णतः जो यूरोपियन टेक्निक थी उसको यूरोपियन उन्होंने टेक्निक। कॉपी किया। तो यूरोपियन से प्रेरणा उन्होंने ग्रहण की, और यूरोपियन में उन्होंने न केवल प्रेरणा ग्रहण की बल्कि यूरोपियन टेक्निक को, ऑयल कलर को भी आत्मसात किया, और उनके ओलियोग्राफ्स उस समय के बहुत फेमस हैं। और उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए राजा रवि वर्मा ने एक नया अध्याय कैलेंडर युग शुरू किया, और कैलेंडर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित किया, देवी देवताओं को एक स्वरूप दिया अपनी इमेजिनेशन से। तो काम तो उन्होंने केवल, मतलब ये नहीं कहेंगे हम कि केवल उन्होंने ब्रिटिश और यूरोपियन कला का ही अनुकरण किया, बल्कि एक नया ट्रेंड भारत में को दिया, क्योंकि उन्होंने भी विषय जो थे वो पूर्णतः भारतीय लिए, उनके कला के विषय पूर्णतः भारतीय हैं। बेशक उनकी तकनीक और उनका माध्यम वो विदेशी है, यूरोपियन है, लेकिन विषय भारतीय होने के साथ साथ उन्होंने भारतीय चित्रकला को एक नई प्रवृत्ति से अवगत कराया, और उनके चित्र आज भी संपूर्ण यूरोप में, संपूर्ण विश्व में अपने ओलियोग्राफ्स के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने लिथोग्राफी प्रेस भी लगाई थी, तो इस तरह से उन्होंने एक छापा कला को भी अपने यहाँ उन्नति कराई। उससे पहले छापा कला का इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा छापा कला का जो प्रचार प्रसार हुआ है वो राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफ्स के द्वारा ही हुआ है। उन्होंने उस विधा में, क्योंकि उसमें छापा कला में क्या हुआ, ग्राफिक में, उनके लिथोग्राफी में, कि एक ही पेंटिंग के उन्होंने बहुत सारे प्रिंट बना लिए, और वही कैलेंडर प्रथा वहां से डेवलप हो गई। तो एक ट्रेंड हमने ये पढ़ा, एक वॉश टेक्निक वाला पढ़ा, एक लोक कला वाला पढ़ा। तो लोक कला में राजा, वो यामिनी रॉय के अतिरिक्त और भी बहुत सारे कलाकार थे उस समय जो काम कर रहे थे, और आज तक, आधुनिक काल तक कई कलाकार ऐसे हैं जो लोक कला से प्रेरणा, जैसे भारती हैं, और नए कलाकारों के नाम मैं गिनाऊं आपको, भारती हैं, एक इसके सतीश गुजराल ने भी कुछ दिनों इसमें काम किया है, शुरू शुरू के फेज में केवल। तो बहुत सारे कलाकारों ने कोई ट्रेंड लिया, कोई अपनाया, कोई छोड़ा, इस तरह से काम करते चले गए आगे। और फिर एक ट्रेंड आया तंत्र कला का। कुछ हमारे प्राचीन भारत में तंत्र कला एक अलग से एक विधा रही है, जबकि उसका प्रचार
प्रारूप प्राचीन भारत में कुछ अलग तरीके का था, लेकिन अब जो जिस जब वो कलाकारों ने उस प्राचीन तंत्र कला से प्रेरणा ग्रहण करके नया ट्रेंड शुरू किया, तो उस ट्रेंड का नाम ही नवतंत्र कला रखा गया। तो एक ट्रेंड हमारा हो गया नवतंत्र कला वाला। तो नवतंत्र कला में उन्होंने टेक्निक उनकी बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि जो पुरानी तांत्रिक पेंटिंग्स बनी हुई है या तंत्र कला की पेंटिंग्स हैं, उसमें फिलिप राउसन, अजीत मुखर्जी और एक लल्लन प्रसाद, मधु खन्ना, बहुत सारे राइटर्स ने इसके ऊपर लिखा है, और सबका मत यही है कि प्राचीन तंत्र कला सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो चित्र बनाए जाते थे उन्हीं चित्रों तक सीमित रही। जो कुछ तांत्रिक साधक होते थे तो वो अपनी सिद्धि को साधने के लिए मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये तीन चीजें थीं जिनको वो साधते थे। तो तंत्र के अंतर्गत उन्होंने कुछ यंत्र बनाए। यंत्र आप लोग आज भी पूजा में बहुत जगह यूज किया जाता है, जिसमें कि बेसिकली आप लोग जानते होंगे श्री यंत्र को। बाकी सभी देवी देवताओं के अपने यंत्र हैं हमारे भारतीय वांगम में। तो जो जो तंत्र हैं बेसिकली वो एक एक लाइन, सर्कल, इस पे आधारित होते हैं। स्क्वायर मतलब यानी कि वर्ग, गोला और लाइन, ये तीन चीज मिलके किसी भी यंत्र का निर्माण करते हैं। और हर यंत्र में एक बिंदु भी का भी महत्व है। तो बिंदु से लेके लाइन का, उस शेप का पूरा महत्व होता है। जैसे कि मैं अभी आपको एक यंत्र के बारे में बता रही हूँ, श्री यंत्र। वैसे चिन्नमस्ता यंत्र, देवी यंत्र, बंगलामुखी यंत्र, सब देवी देवताओं के यंत्र होते हैं। आपने पूजा पाठ में घरों में भी देखा होगा, पंडित जी भी आते हैं घर में तो पूजा से पहले यंत्रों का निर्माण करते हैं। तो श्री यंत्र में हमें चार अधोमुखी और पांच ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण देखने को मिलते हैं, और हमेशा अधोमुखी त्रिकोण शक्ति का प्रतीक होता है, यानी कि देवी का, और ऊर्ध्वमुखी जो त्रिकोण होता है वो शिव को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ शिव को प्रदर्शित करने का मतलब है वो पुरुष को प्रस्तुत करता है, पुरुष तत्व को, क्योंकि प्रकृति दो तत्वों पर आधारित मानी गई है तंत्र के अनुसार, एक पुरुष और दूसरी प्रकृति। पुरुष और दूसरी प्रकृति मतलब नारी, नारी तत्व को प्रकृति कहा गया है। पुरुष और प्रकृति दो तत्व के आधार पर ही इन दो तत्वों पर ही पूरे ब्रह्मांड की रचना है, और ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो पुरुष और प्रकृति के ऊपर आधारित है, ऐसा तंत्र का मानना है। उसी मान्यता के अनुरूप इन यंत्रों की वो हुई है सब रचना, और उस रचना के आधार में प्रत्येक लाइन का, मान लो त्रिकोण है, वर्ग है, सर्किल है, तो अपना अपना महत्व है और उसकी अपनी अपनी गणनाएं हैं, उसी के आधार पर इनका अंकन किया गया, और एक साधक अपनी सिद्धि साधना के लिए इनका प्रयोग किया करता था यंत्रों का। तो कुछ हमें यंत्र मिलते हैं और कुछ देवी देवताओं के, जिसमें शिव शक्ति यानी के प्रकृति यानी के देवी के चित्र भी हैं पृथक रूप से, और कुछ ऐसे चित्र भी हैं जो पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए जो नवग्रह हैं, नवग्रहों का अंकन किया गया। आज भी हमारी पूजा पाठ में नवग्रह बनाए जाते हैं, और नवग्रह के अलावा एक कंसेप्ट तंत्र कला में है पंच तत्वों का। पंच तत्व आप जानते हैं सभी, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये हमारे पांच तत्व हैं। तो इन पांच तत्वों का भी अंकन तंत्र में हुआ है। फिर है एक इसमें कंसेप्ट पंच मकार, मीन मकार से मतलब माँ से ही शुरू होंगे ये, मीन मत्स्य, मीन और मत्स्य, हाँ, और
मुद्रा, मीन मत्स्य मुद्रा, और दो मैं और हैं, स्लिप कर गए मेरे दिमाग से, तो पांच ही मकार माने गए हैं। मैथुन, मीन मत्स्य मुद्रा मैथुन, एक मैं और रह गया, तो वो उन पांच मकारों का भी एक कंसेप्ट है, वो भी पुराने तंत्र में चित्रित है। एक बहुत मैम मीन और मत्स्य पावरफुल एक ही होता है ना, कि अलग अलग हुआ? मछली को बोलते हैं नहीं, हम ये पूछ रहे कि मीन, मीन और मत्स्य दोनों ही तो मछली को बोलते हैं, तो ये दोनों अलग अलग है कि दोनों एक ही ही है? मछली को बोलते हैं, तो या तो कोई और होगा इसमें, मतलब मैं के द्वारा ही मुद्रा मैथुन मीन मत्स्य नहीं होगा शायद से, मीन ही नाम से है, फिर दो माँ और हैं, मतलब इसलिए पंच मकार बोला गया है उन्हें, और ये एक अपना एक अलग कंसेप्ट है ठीक है, जिसको भी साधने के लिए इसके ऊपर भी चित्र बने हैं, पूरा इसका एक मतलब वो है, लेकिन तुम्हें इतना नहीं समझ रहा, मैं तो सिर्फ मोटे मोटे कंसेप्ट बता रही हूँ ना। और दूसरा एक कंसेप्ट है इसमें कुंडलिनी जागरण का, सारे कंसेप्ट बता रही हूँ तंत्र के, क्योंकि इन्हीं पे फिर न्यू तंत्र की स्थापना हुई है, तो हमें तो न्यू तंत्र जानना है, जाना है पंतत। अच्छा, वो कुंडलिनी जागरण एक कंसेप्ट इसमें कुंडलिनी जागरण का है, और षट चक्रों का है, हमारे पूरे शरीर में सहस्त्र से लेकर बुधा तक छह चक्र माने गए हैं, और उनके जागरण किसी भी साधक के लिए उनका जागरण अनिवार्य माना गया है तंत्र के अनुसार, तो उनको साधने के लिए जो साधक साधना करते थे, तो मूलाधार चक्र सबसे नीचे माना गया और सहस्त्रार चक्र सबसे ऊपर। तो जब सहस्त्रार चक्र मान लो किसी का जागृत हो जाए, तो उसे तमाम सिद्धियां मतलब तमाम ज्ञान प्राप्त हो जाता है इस ब्रह्मांड का, ऐसा तंत्र में माना गया है। और साथ में अगर वो कुंडलिनी जागरण भी उसकी हो जाए, तो तब उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त हैं और उसका वाक्य तक सिद्ध हो जाता है, अगर वह कह दे, जैसे कि स्वामी वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ हुए हैं ना, उन्होंने तंत्र साधना बहुत की थी और वो इसके पूरे ज्ञाता थे, और उन्होंने चीनसार जाके इसकी साधना की थी, और विश्वामित्र भी इस कड़ी में आते हैं, तभी उन्होंने अपने तपोबल से वो ऊपर भेज सर शरीर ऊपर भेजने का काम किया था ना त्रिशंकु को, जो नहीं जा सकता था सर शरीर स्वर्ग में, और पर उन्होंने उसी साधना के अंतर्गत भेजने का कार्य किया था। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं तंत्र में, तंत्र जो है वो जीवन जीने की एक अलग पद्धति को बताता है, और उसमें जीवन के सारे रहस्यों का उद्घाटन है प्राचीन तंत्र में, और उसी के आधार पर एक चित्रण परंपरा भी रही है भारत में, जो कि हम जो सामान्य चित्रकला है हमारी, उसमें चित्रकला इतिहास में नहीं पढ़ते हैं, ये इससे इतर है इसका इतिहास, लेकिन आधुनिक चित्रकारों ने उन तांत्रिक चित्रों से प्रेरणा लेकर जो चित्र बनाए, तो वो हम नव तंत्र कला के नाम से जानते हैं। परंतु उसमें बेसिकली सबसे बड़ा अंतर क्या है कि जो अब प्राचीन तो ये कंसेप्ट थे सारे, और इन कंसेप्ट को साधने के लिए ही वो चित्र बनाए गए एक उद्देश्य से, उनका सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण नहीं था उन चित्रों का, और ना ही सुंदरता या मतलब कहना चाहिए अभिव्यक्ति के लिए भी वो चित्र नहीं बने हैं, सौंदर्यात्मक पक्ष के लिए भी वो चित्र नहीं बने हैं, वो तो सिद्धि साधना के लिए बने हैं प्राचीन वाले, लेकिन उनके वो जो कंपोजिशन है उन चित्रों का वो अट्रैक्ट करता है आर्टिस्ट को, तो वो अट्रैक्शन से उन्हें उनसे चित्र बनाने की प्रेरणा मिली। जैसे कि कुछ कुछ आप लोक कला का ही मान लो कि लोक कला भी जो है वो घरों में पूजा पाठ या कुछ विशिष्ट अवसरों पे उत्सवों पे बनाई जाती नहीं थी, घर की लेडीज ही ज्यादातर उसको काम क्या करती थी, वो एक तरह से लेडीज का ही मनोरंजन सब तरह का था, परंतु उसमें लेडीज की रचनात्मकता तो जुड़ी थी, पर तंत्र में तो वो रचनात्मकता भी नहीं थी, फिर भी वो चित्र एक रचनात्मकता लिए हुए हैं, शायद उनको बनाने वाले जो कलाकार रहे होंगे या जो लोग रहे होंगे, तो उनका एक क्रिएटिव विजन जरूर रहा होगा, क्योंकि उन्हें देख के
वो चित्र अपने आप को, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स बहुत हैं, यंत्रों से ज्यादातर बने हैं ना वो चित्र, तो यंत्र तो त्रिकोण, त्रिभुज, वो त्रिभुज या त्रिकोण कह लो, वृत्त, वर्ग, आयत, इनसे निर्भर है, लाइन और बिंदु दो चीज उसमें मुख्य थी। तो जानी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो अपने आप में सौंदर्य को लिए हुए हैं, वो अपने आप में एक बैलेंस बना के रखती हैं। तो वहां से कलाकारों ने उन ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स से प्रभावित होकर वहां से प्रेरणा ग्रहण करना शुरू किया, और उन्होंने फिर कुछ तंत्र कला के आर्टिस्ट ने न्यू तंत्र के, कहूंगी मैं न्यू तंत्र के, जैसे केवी हरिदासन है, पीटी रेड्डी है, संतोष है, जी आर संतोष है, नाम सुने हैं इनके, जी आर संतोष है, जगदीश स्वामीनाथन ने भी कुछ कुछ उससे प्रेरणा ग्रहण करके कुछ तांत्रिक चित्र बनाए हैं। हाँ मैम, केवी हरिदासन के बाद आपने एक कौन से आर्टिस्ट का नाम लिया था? अच्छा, केवी हरिदासन, पीटी रेड्डी, पीटी रेड्डी देखिए उसके उनके चित्र, वो जो यंग तुर्कश ग्रुप के आर्टिस्ट थे, पीटी रेड्डी, यंग तुर्कश। नहीं 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 पाकल परिमल रेड्डी, पूरा नाम उनका ये था, पाकल तिरुमल रेड्डी, तिरुमल पीटी रेड्डी, पाकल तिरुमल रेड्डी। नहीं देखे उनके चित्र, उस पे देखना, गूगल कर लेना, नाम से ही आ जाएंगे, पीटी रेड्डी, न्यू देखा है वो तंत्र देखा आर्टिस्ट। उन्होंने तो बहुत ज्यादा काम किया है पीटी रेड्डी ने तंत्र पर, क्योंकि और सबसे बड़ी उनकी विशेषता क्या रही है कि उन्होंने जो चित्र बनाए, कंसेप्ट उनके आधुनिक है, विषय आधुनिक है, चाहे उन्होंने वो पॉलिटिक्स के ऊपर बनाए हैं या सोसाइटी के ऊपर बनाए हैं, पर फॉर्म्स तांत्रिक है, तंत्र कला के, जैसे षट चक्र की फॉर्म्स ले ली हैं कहीं पे, मतलब उनके विषय तांत्रिक नहीं है, विषय उनके सामाजिक है। कभी उन्होंने नेहरू के ऊपर सीरीज बनाई है, तो नेहरू के पीछे कमल का फूल ना बना के, जो शहर अष्टदल कमल होता है, अष्टदल कमल होता है, तो वो बना दिया है तांत्रिक उसको लुक देने के लिए। तो नेहरू की सीरीज बनाई है, एक उन्होंने राजनीतिज्ञों की सीरीज बनाई है, तो उसमें राजनीतिज्ञों में जैसे चेयर वेयर बनाई है, तो टॉपिक उनके सोसाइटी से और पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहे हैं ज्यादातर, समाज और राजनीति से संबंधित चित्र बनाए, लेकिन उनके जो फॉर्म्स हैं वो न्यो तांत्रिक है वो बिल्कुल। और वो कहते भी हैं कि मैं तंत्र से केवल वो चुराता हूँ, रूपाकार, रूपाकार उनके तांत्रिक है। तो जैसे तंत्र कला के यंत्रों में और पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलते हैं, वैसे ही रूपाकार उन्होंने चाहे उस अपने कंपोजिशन में उन रूपाकारों को या तो बैकग्राउंड में डाला है या उस पे ही फोकस करके कुछ और विषय, सामाजिक विषय दे दिया है। तो देखिएगा पीटी रेड्डी और जी आर संतोष की पिक्चर्स देखी होंगी उनकी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं सारी, और योग साधना पे ज्यादा, योग भी इसमें इसका एक पार्ट है तंत्र का, तो योग, योगिक फॉर्म्स उनकी पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा हैं जी आर संतोष की, और उनके तो विषय भी तांत्रिक है, उन्होंने विषय भी तंत्र से ही लिए हैं और फॉर्म्स भी, वो पूरा जो उनका पूरा लाइफ का जो स्टडी करेंगे अगर आप, तो सब जगह उनकी तांत्रिकी पेंटिंग्स हैं, तांत्रिकी न्यू तंत्र पे फॉर्म्स है, और उन्होंने तंत्र को समझ के भी बनाई है कुछ पेंटिंग्स, जो ये कंसेप्ट में बोल रही हूँ, पंच तत्व भी बनाए उन्हें, उन्होंने पंच मकार भी बनाए हैं, योग साधना के बनाए हैं, षट चक्र पे भी उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं, तो उनके जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी तंत्र के हैं और फॉर्म्स भी तंत्र के हैं, जबकि कुछ कलाकारों ने केवल फॉर्म्स ले लिए हैं, सब्जेक्ट मैटर से उन्हें कोई मतलब नहीं था, सब्जेक्ट मैटर तो उन्होंने अपनी इच्छा से कुछ भी ले लिए हैं, लेकिन फॉर्म्स उन्होंने तांत्रिक लिए हैं। तो मोस्टली कलाकार आर्टिस्ट तो ऐसे ही हैं, न्यो तांत्रिक आर्टिस्ट, जिन्होंने फॉर्म्स वहां से लिए हैं। और इसके अलावा एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट दीपक बनर्जी भी रहे हैं बंगाल के इसमें, हालांकि उनके काम बहुत ज्यादा नहीं हो फैल सका,
काम अच्छा करते थे वो, पर थोड़ा वो हेजिटेशन वाली प्रकृति के थे शायद, मतलब उनका काम ज्यादा नहीं इसमें है। और 20-25 आर्टिस्ट की, एक अलग से इनके कलाकारों की 1960-65 के आसपास, 67 या 65-66, मतलब 67 यही कोई ईयर है, उसमें इन न्यू तांत्रिक आर्टिस्ट ने अपनी एक अलग से एग्जीबिशन भी की थी, इंडिया में भी की और बाहर विदेशों में भी जाके की है। और एक उस समय 60-70 के दशक में इनका काम बहुत सराहा गया। और फिर उसमें कुछ सतीश गुजराल के भी शुरू के फेज के कुछ चित्र हैं ऐसे, जो तंत्र से, मतलब उस समय एक लहर चली इस नव प्रवृत्ति की, बहुत सारे कलाकारों ने नियो तंत्र, और वो अपने आप को कहने भी लगे कुछ कि हम नियो तांत्रिक हैं। केवी हरिदासन ने पूरा काम, उन्होंने कुछ और टॉपिक लिया ही नहीं, मतलब उनके विषय भी नियो तांत्रिक है और उनके फॉर्म्स भी, और सारे कंसेप्ट वही वाले, मतलब कुछ कलाकारों ने तो बिल्कुल जैसे उन्हीं कंसेप्ट को बनाना। और उन्होंने कहा कि कला भी अपने आप में एक साधना है और तंत्र हमें जीवन साधने की एक शैली सिखाता है, तो हम अपने जीवन में इसी को उतारते, मतलब उन्होंने उन फॉर्म्स को क्रिएटिव रूप दिया। और एज इट इज कॉपी नहीं किया है कि जैसी वो प्राचीन पेंटिंग है, जो प्राचीन तंत्र की पेंटिंग है, तो उन्हें एज इट इज रखा हो, बल्कि उन्हें क्रिएटिव रचनात्मक आकार देके नए नए रूप में प्रदर्शित किया है। आप इन नाम को गूगल कर सकते हैं और फिर इनकी पेंटिंग्स को देखो तो समझ में आता है। वास्तव में इसमें बहुत ही एक क्रिएटिविटी है, कंसेप्ट्स में भी इसके और फॉर्म्स में भी। बेसिकली जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं वो हमारी कला को एक आधार प्रदान करती हैं, और उन्हीं ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स की वजह से नए कलाकारों, आधुनिक कलाकारों ने इससे प्रेरणा ग्रहण की। फिर एक ट्रेंड आपका आ गया जो फंतासी, फैंटेसी सुना होगा ना, फैंटेसी, फैंटेसी बिल्कुल, ये एक्सप्रेशन जो चला है, एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट, कई सारे नए ट्रेंड जो कि यूरोपियन वाद हैं, हमारे नए वाद यूरोपियन 18th सेंचुरी के आगे के, उनसे भी प्रेरणा लेके कुछ कलाकारों ने जो काम किया, तो वो अपना इसी में आया न्यू ट्रेंड्स में, जैसे कि एक्सप्रेशनिस्ट से प्रभावित होकर यहाँ के कलाकारों ने फैंटेसी में काम किया। और फैंटेसी का मतलब है कल्पना, कल्पना पे आधारित जो भी उनके दिमाग में आया अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कलाकारों ने उसके उसमें चित्र बनाने शुरू किए। फैंटेसी कलात्मक कह लीजिए एक तरह से। फिर घनवाद भी अपने यहाँ आया है, शुरुआत घनवाद की गगनेंद्रनाथ टैगोर से ही हो गई थी एक नए ट्रेंड में, जबकि एक यूरोपियन वाद रहा, उन्हीं वादों का धीरे धीरे प्रभाव फिर भारतीय आधुनिक कला पर भी पड़ा है। तो उसमें घनवाद से हम शुरू करते हैं, तो घनवाद का प्रभाव हुआ, अभिव्यंजनावाद का फैंटेसी में हुआ, तो घनवाद, घनवादी चित्र भी बहुत सारे कलाकारों ने ये क्यूब कोन सिलेंडर आदि फॉर्म्स अपने चित्रों में बनाने शुरू किए, और उस तरह के चित्र हमें बहुत सारे कलाकारों के देखने को मिलते हैं, जिसमें ये आपने देखा होगा। फिर एक सूफीवाद आया, सूफीवाद में भी एक नया ट्रेंड आया जिसमें अपर्णा कौर की पेंटिंग्स आपने देखी होंगी सूफीवाद में, तो वो कलर जो वो, यानी कि एक आध्यात्मिक और जाने का एक तरीका था कलाकारों का, और उसके उनके कलर भी बड़े वैसे होते थे कलाकारों के, जो बहुत ब्राइट नहीं लगाते थे, लेकिन सूफीवाद में उन्होंने आध्यात्मिक विषय अपनाने शुरू किए और कलर भी थोड़ा डल टाइप के। अपर्णा कौर ने ये ट्रेंड शुरू किया था सूफीवाद का, और उनके चित्रों में वो चीज, मतलब एक बाद में उन्होंने खुद ही छोड़ दी, शुरू का फेज है उनका ऐसा, बाद में तो वो फिर उन्होंने और कई सारी सीरीज बनाई, हीर रांझा बनाई, एक कैंची की सीरीज बनाई, बाद में वो ट्रेंड उन्होंने छोड़ा है, लेकिन शुरुआत के पेंटिंग्स जो है उनकी इस ट्रेंड में है।
ये कुछ कलाकार ऐसा होता है कि शुरू में वो ट्रेंड अपनाते हैं और फिर उसको वो छोड़ देते हैं, और नए ट्रेंड्स में बात करते हैं हम। आपका न्यूतंत्र हो गया, सूफीवाद हो गया, फैंटेसी, मैम ए रामचंद्रन किस में आएंगे? वो आधुनिक कलाकार माने जाते हैं, और उन्होंने जो प्रेरणा ग्रहण की है वो पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित चित्रों को रचने के लिए है, और चित्र उनके हमेशा काल्पनिक रहे हैं, उनकी अभिव्यक्ति पे ही आधारित रहे हैं। मैम ए रामचंद्रन की शुरुआती जो काम है मैम, उसने तो वो कुछ जैसे कि कुछ शोक और जैसे कुछ जो 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 समाज में जो जो बुराइयां होती हैं, घटनाएं ऐसी, उससे हाँ, तो वो प्रभावित होकर सामाजिक, के वो उनका डिस्ट्रिक्ट शुरू करते करते सामाजिकता, हैं। पर हाँ उन्होंने किसी ऐसे नए ट्रेंड को नहीं ला के लिया कि जो कुछ नया हो, मतलब बाद में तो सब अपने अपने प्रयोग कर ही रहे हैं धीरे धीरे। हाँ ययाति और उर्वशी का शायद उन्होंने बनाया हाँ था ये सीन, याति, हाँ उर्वशी, वही ऐतिहासिक मैं बता तो माइथल रही हूँ, माइथल कथाओं पर उन्होंने तो एक्सपीरियंस। सीरीज बनाई है ना पूरी, ययाति की, उर्वशी की, वही उनकी फेमस हुई है, वही उनकी फेमस भी है। और उसमें उनके जो फॉर्म्स हैं वो नितांत, मतलब उनके निजी हैं, कहीं से कोई, बस एक कह सकते हैं कि हम अजंता की थोड़ी सी उन्होंने प्रेरणा ली है, अजंता से। फिगर्स आप अगर देखें तो अजंता स्टाइल में हमें देखने को मिलती है उसमें फिगर। मंजीत बाबा हाँ बहुत सारे, मंजीत बाबा ने तो ज्यादातर जो उनको हम उससे जोड़ सकते हैं, मंजीत बाबा को, ये जो अपना एक यूरोपियन ट्रेंड था ना, अति यथार्थवाद, आती है जो अति यथार्थवाद से प्रेरित है वो। देखा है आपने उनकी फॉर्म कैसे पिघलती सी रहती है, अति जी यथार्थवाद भी तो वैसा ही है कि जी कल रियल में तो वैसा होता नहीं है फॉर्म्स का। ऐसे तैयब मेहता भी थोड़ा थोड़ा अति यथार्थवाद से प्रेरित है, तो बाद वाले कलाकारों ने बहुत सारी चीजें अति यथार्थवाद से ग्रहण की हैं। सालवार डॉली वाला, और बताइए कुछ और आपके दिमाग में आ रहा हो तो। एक सबसे बड़ा जो ट्रेंड फिर बाद में आया वो है अमूर्त, अमूर्तवादी होता चला गया धीरे धीरे, इन्हीं वादों से प्रेरणा ग्रहण करते करते, क्योंकि यूरोपियन वादों में से किसी ने अभिव्यंजनावाद से ले ली, किसी ने अति यथार्थवाद से प्रेरणा ली, किसी ने घनवाद से ली, किसी ने फाववाद से भी ली, और उसके बाद वहां पर भी क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हो गया, फिर उसके बाद तो अंतरराष्ट्रीय होने के साथ साथ चीजें ज्यादा आपस में आदान प्रदान होने लगी, तो जो यूरोपियन स्टाइल था वो कलाकारों के ऊपर ज्यादा हावी होता गया, और उसी का एक प्रतिफलन था कि अमूर्तवाद विदेशों से लेकर भारत के भी कलाकारों ने बहुत इसमें काम किया है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। आज के दौर में हम मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट के नाम पे कुछ भी करते हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, नाम लीजिए आप सबका, किसको जानते हैं। मैम परेश मैथी, उनके लैंडस्केप परेश मैथी, राम हाँ, और कुमार, राम कुमार, राम कुमार से भी इतने एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, शक्ति और बर्मन, बताओ हैं। शक्ति बर्मन, शक्ति बर्मन, हाँ, और और बहुत से मैम कलाकार हैं जिन्होंने रजा एब्स्ट्रैक्ट में, हैं, रजा रजा, रजा एब्स्ट्रैक्ट भी हैं। देखो नाम लिया ना, रजा सूजा, जी ये सूजा भी एब्स्ट्रैक्ट में काम करते थे, मोस्टली फॉर्म्स बहुत ही कम है,
और रजा ने तो बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट ही अपने आप को मानते हैं, हालांकि उनके फॉर्म्स भी तंत्र कला से आते हैं, तांत्रिक हैं उनके फॉर्म्स, परंतु वो अपने आप को स्वीकार नहीं करते कि मैं तंत्र आर्टिस्ट हूँ, कि मैंने तांत्रिक नियो तांत्रिक में काम किया है। वो कहते हैं कि मेरे फॉर्म्स मेरे आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और मेरी अंदर से आते हैं, मैं मुझे नियो तंत्र में ना जुड़ा जाए, लेकिन सारे फॉर्म्स उनके ज्योमेट्रिकल होते हैं और बिंदु बिंदु उनका बिंदु उनका मेन कंसेप्ट रहा है, और बिंदु कंसेप्ट है ही तंत्र का, क्योंकि तंत्र में ये अपने आप में एक पूरा अध्याय है बिंदु का, कि बिंदु से ही पूरे ब्रह्मांड की संरचना मानी गई है, और बिंदु को नाद के द्वारा भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। नाद समझते हैं, ध्वनि, और ध्वनि का अपना एक सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत आपने फिलोसफी में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है ध्वनि का सिद्धांत, आनंद वर्मन का। हाँ, तो ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि के द्वारा कैसे मतलब मस्तिष्क में कुछ हलचल होती है, कैसे उसका एक्सप्रेशन होता है, तो वो ही, और पूरे संसार में ध्वनि तरंगे पैदा करती है, इन तरंगों से देखो ध्वनि का ही तो यह है कि आप ध्वनि सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति भी है एक, कि मैं यहाँ बैठी भी बात कर रही हूँ और आप वहां से सुन रहे हो और आप मुझे, तो ये क्या है, इन तरंगों के माध्यम से ही तो सारी चीजें आ रही जा रही हैं इस पूरे ग्लोबल में, तो वो ध्वनि के ऊपर भी एक, तो उन्होंने उस ध्वनि को रिप्रेजेंट करने के लिए भी बिंदु कंसेप्ट दिया है तंत्र में, और रजा ने खूब बनाया लेकिन मानते नहीं है, और किसका नाम लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे रजा को, पर उनके में फॉर्म्स तो हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, रजा एब्स्ट्रैक्ट के अंदर अंतर्गत नहीं आएंगे। और आपके एब्स्ट्रैक्ट के बाद आगे और चलिए तो पोप और ओप एक दो विधाएं और चली हैं, जिसमें काइनेटिक आर्ट, काइनेटिक का भी एक फेज आया कि जब लोगों ने गति के साथ चाहे रंग उड़ेल के, मतलब ये अमूर्त के ही सारे हैं, ओप ओप काइनेटिक, ये सारी जो प्रवृत्तियां आई हैं आधुनिक भारतीय चित्रकला में, ये अमूर्त के ही अंतर्गत आई हैं, मतलब अमूर्त स्टाइल को और अधिक स्पेसिफाई कर दिया गया है इसमें, तो इसमें जो काइनेटिक आर्ट थी, इसमें जैक्सन पॉलक का आपने देखा काम देखा है, तो बेसिकली ये सभी यूरोपियन कंसेप्ट थे जिनको भारतीय चित्रकारों ने नए ट्रेंड के रूप में यहाँ अपनाया, और उसमें बहुत सारे कलाकारों ने काम किया है। मैम सुबोध गुप्ता आएंगे इसमें, क्या है, सुबोध गुप्ता एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। अब तो एक विधा नई और शुरू हुई बाद में चल के, आप जानते होंगे उसको भी, संस्थापन कला हिंदी में कहते हैं, और वैसे है इंस्टॉलेशन आर्ट, ये एक अलग ट्रेंड आया, फिर ये भी एक ट्रेंड है, क्योंकि उस समय आजकल थोड़ा सा फिर भी इतना नहीं, लेकिन पीछे सन 2000 के आसपास, दो 90s और 2000 के आसपास इतने सारे कलाकार, मोस्टली कलाकार उस समय के संस्थापन कला में यानी कि इंस्टॉलेशन में काम कर रहे थे, और एक बहुत बड़ा नाम दिमाग में से निकल रहा है जो फेमस रहे हैं, अनिश कपूर, हाँ कपूर, और एक और जिनका बना विवान सुंदर, विमान नल्ली मलानी, नल्ली मलानी, ये सबने इंस्टॉलेशन आर्ट में काम किया है, और बहुत सारे लोगों ने तो पुरानी खराब पड़ी हुई चीजों को इस तरह से संजोया उसमें कि
हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही मेरे वहां की। शोभा मैम क्लास नहीं लेंगी क्या? हेलो, कुछ कनेक्टिविटी का इश्यू है इसलिए मैम इसलिए वो लीव हो गया है। तो अभी फिर से मैम ज्वाइन कर रही हैं।
नामकन एरिया में कनेक्टिविटी का इश्यू है उनके घर पर, तो इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो बहुत जल्दी आपसे फिर कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तब तक अगर कोई क्वेरी है तो बात कर सकते हैं। कोई भी चीज जो आप बात करना चाहें। हेलो मैम, मैम वो मुझे ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो गया। मैम शुरू में क्या बता रही थी हम सुन नहीं पाए। कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन करने में लेट हो गया तब भी आपके अटेंडेंस हमने मार्क कर ली है। और मैम हम ये पूछ रहे हैं कि मैम शुरू में क्या बता रही थी 10 मिनट मतलब। हाँ मैम अभी मैम मैम ने तो मॉडर्न मॉडर्न इंडियन आर्ट ट्रेंड से ही शुरू किया था, तो वहीं से ही उनका कि कैसे इंडियन आर्ट के बारे में उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया जो मुझे समझ आया, और उसके बाद में उन्होंने फिर बंगाली स्कूल और फिर किस तरह से फिर मॉडर्न इंडियन आर्ट की शुरुआत हुई, ये चीज पर वो डिस्कस कर रही है। ठीक है मैम, ठीक है। बाकी आप वीडियो एक्सेस कर सकते हैं बाद में, मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ मैम से बात करने की, हो सकता है आप ज्वाइन कर रही हैं, उन्होंने कहा है वो ज्वाइन कर रही हैं। आपने अपना रिसर्च पेपर करने की कोशिश की, जो मैंने आपको टॉपिक जो फोटोग्राफ्स दिखाए थे, जो मैंने कहा था कि इसमें से आप टॉपिक अपने आप पिकअप करेंगे कि इस फोटोग्राफ को देखते हुए आप कौन से टॉपिक पे काम करना चाहते हो उसको लिखोगे, कि आपने करने की शुरुआत कर दी है। मैम अभी सोच रहे थोड़ा थोड़ा माइंड माइंड मेकअप कर रहे सर मैम उसके बारे में। ठीक है, तो जल्दी कर लीजिए और नेक्स्ट वीक में मुझे दे दीजिए। ठीक है, ओके मैम। इसलिए मैं चाहती हूँ क्योंकि सितंबर के सेकेंड वीक तक आपका एक पेपर मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आप जो है एक प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ओरिजिनली आपको जो पेपर लिखना है, नाउ यू हैव एन आइडिया और आप लिख सकते हैं, तो उसके बाद में आप एक पेपर कंप्लीट करेंगे और फिर वो पेपर जो है पब्लिश होगा आपका, वो बहुत जरूरी है, पेपर पब्लिकेशन बहुत जरूरी है। मैम वो पिक्चर एक बार फिर से हम देख नहीं पाए थे कल, एक्चुअली हम रास्ते में थे तो पिक्चर एक बार फिर से हम देखना चाह रहे थे। ये नाम का क्लास है तो इसके बाद में दिखा दे। चलेगा मैम, थैंक यू। हम ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं पिक्चर्स, वो मेरे लिए डिफिकल्ट होता है, मुझे स्क्रीनशॉट करना पड़ता है। मैम सेंड कर देगा ग्रुप में। तो मैं अभी इसी मीटिंग में क्लास ओवर होने के बाद में, यू जस्ट डू नॉट लीव, मैं आपको वो प्रेजेंटेशन को एक बार स्लाइड्स दिखा देती हूँ, आप क्लिक कर लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम वो ऐसे जैसे आपका ये बनाना है रिसर्च पेपर के, तो सर का भी बनाना है जो कल राजीव नयन सर पढ़ा रहे थे उनका भी उन्होंने कहा तो नहीं बनाएंगे। एक्चुअली ये आर्ट अंडरस्टैंडिंग आर्ट आर्ट एप्रिसिएशन डॉक्यूमेंटेशन डेटा कलेक्शन ये वाला यूनिट जो है वो हम करा रहे थे, इसलिए हम इस चीज पर बात कर रहे हैं। बाकी सारे लोग जितने भी टीचर्स आएंगे, सुपरवाइजर्स जो भी आएंगे या और रिसोर्स पर्सन बाहर से भी आएंगे, तो वो आपको बताएंगे कि कैसे करना है, मतलब सारी चीज आपकी ये जैसे हिस्ट्री ऑफ आर्ट है या फिर और ये सारा चीज जैसे आप यूजी और पीजी में जो पढ़ करके आए हो उससे थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको वो सोचने के लिए कहेंगे कि आप इसको इस तरह से देखो या इस तरह से बात करो इसके बारे में, ऐसे हो सकता है। रिव्यूइंग आर्ट हिस्ट्री, रिव्यूइंग टेक्निक्स, है ना, इस तरह से। मैं एक बार मैम से बात करती हूँ।
मैम ज्वाइन कर रहे हैं अभी, बस 2 मिनट का समय और चाहते हैं। वो कुछ कनेक्टिविटी एरर है जहां पर वो हैं, तो उस जगह से वो शिफ्ट कर रही हैं। मैम ये विजय सर ने जो मतलब असाइनमेंट बताया है मैम, ये मतलब किस टाइप से असाइनमेंट आ गए थे सीखते? क्या बताया है उन्होंने असाइनमेंट करने के लिए? मैम यही मतलब प्रागैतिहासिक पे बताया है लिखने के लिए, प्रागैतिहासिक काल के। क्या लिखने, क्या क्या बताया? मैं नहीं समझी। प्रागैतिहासिक काल पर मैम प्रागैतिहासिक काल का जो मैम विषय है उसका मतलब जैसे क्या संयोजन कैसे कंपोज की गई है उसकी मैम, उसकी चित्रण सामग्री वगैरह और मैम स्थान प्लेस वो क्या कहाँ पे चित्रण है, कहाँ पे मतलब संग्रहित है या कहाँ पे बड़े संग्रह पाए गए हैं उसके चित्रों के, ये सब बताया मैम असाइनमेंट करने को। तो जैसा वो कह रहे हैं आप वैसे ही लिखिए। उन्होंने जो टॉपिक दिया है उस पर थोड़ा सा लिखिए, जो जो भी उन्होंने वर्ड लिमिट वर्ड काउंट कुछ बताया होगा उसके अकॉर्डिंग, जो जो उन्होंने टॉपिक्स मैम बताए, दो दो से 3 पेज बताया मैम। से 3 पेज लिखिए। चलिए मैं एकेडमिक कैलेंडर देख रही थी। आपका जो भी असाइनमेंट्स हैं आप करते जाइएगा, मतलब जो मैंने दिया वो तो आप करेंगे ही, क्योंकि वो उससे आप रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, वो आपका फाइनल चीज होगा। ठीक है, तो आपको मेरे साथ में, मतलब मेरे साथ में 3 असाइनमेंट्स करने हैं। फर्स्ट इज आपका रिसर्च पेपर का पब्लिकेशन, दूसरा है दूसरे दो जो है उसमें से ऑप्शनल है, या तो आप सिनॉप्सिस प्रिपेयर करेंगे। कोई सिनॉप्सिस जो प्रिपेयर करेंगे वो आपकी जो थीसिस करना चाहते हैं, आप रिसर्च करना चाहते हैं उसका एक आउटलाइन होता है। ठीक है, और उसमें आउटलाइन का मतलब वो उसका एक पूरा एक इंट्रोडक्शन होता है पूरा, जिसमें चैप्टर्स भी होते हैं। तो वो चीज आपका ये जरूरी नहीं है कि जो आप टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं वही टॉपिक लेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस सिनॉप्सिस है। आप मैं बता दूंगी कि कैसे बनाया जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे उसमें। और ऐसे ही जो आपका फील्ड सर्वे है, फील्ड वर्क है, उसमें भी सिनॉप्सिस प्रिपेयर होती है, वो जो प्रोजेक्ट होता है जिसको आप रिसर्च प्रोजेक्ट कहते हैं, या तो आप उसका सिनॉप्सिस प्रिपेयर करेंगे और पूरा एक फील्ड वर्क जो है 1 महीने में 15-20 दिन में 1 महीने में मुझे कर करके शॉर्ट एक रिपोर्ट देंगे, मतलब एक शॉर्ट, बहुत ज्यादा उसको डिटेल नहीं लेना है हमको। और या फिर आप ये काम करेंगे, इन दोनों में से कोई एक काम करेंगे और इसी का प्रेजेंटेशन आपका फाइनल प्रेजेंटेशन होगा। तो आपके 2 चीजें हो जाएंगी फाइनली असेसमेंट करने के लिए, एक तो आपका रिसर्च पेपर और दूसरा आपका प्रेजेंटेशन। ठीक है, सिनॉप्सिस और फील्ड वर्क में से कोई एक करना है मतलब। कोई एक कर फील्ड वर्क और सिनॉप्सिस इसलिए मैंने ऑप्शन रखा है, बहुत सारे बच्चे हैं उनके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं रिसर्च स्कॉलर्स जिनके पास में ये ऑप्शन है कि वो जाकर के फील्ड वर्क कर सकते हैं, म्यूजियम एक्सेस कर सकते हैं, या कोई एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये चूंकि कहीं से फंडेड नहीं है इसलिए हमको सारा चीज ब्रीफ रखना है, केवल हमें प्रैक्टिस करनी है, राइट। और अगर हमको थीसिस की सिनॉप्सिस बनानी है तो वो भी हम कर सकते हैं, वो हम
बना करके उसका बकायदा प्रेजेंटेशन बनाएंगे। अभी आप अपनी आरएम की क्लासेस में सीखेंगे कि आपको पीपीटी कैसे करना है, कंप्यूटर से इंट्रोडक्शन, वर्ड से इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज सीखेंगे। आई एम सॉरी, वो कल जो मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया था वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दे रही हूँ, वो भूल गई थी कल, ठीक है, वो मैं कर दे रही। तो कैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे, जैसे आप डॉक्यूमेंट कल मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया, तो मैंने आपको वर्ड नहीं पढ़ाया था लेकिन फिर भी आपने देखा कि कैसे उस पर टाइपिंग हो सकती है। ज्यादातर बच्चे इतना तो इंट्रोड्यूस्ड होते हैं वर्ड से, रेफरेंसेस कैसे उसमें इंसर्ट किए जा सकते हैं, पिक्चर्स कैसे इंसर्ट की जा सकती है, टेबल्स कैसे इंसर्ट किए जा सकते हैं, ये सारी चीज, और इन चीजों को आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये सब अभी आप आरएम में सीखेंगे। पीपीटी करना भी है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हम आपको स्लाइड्स बनाते हैं दिखाते हैं पढ़ाने के लिए, वो सारा चीज भी आप देख लेंगे, अभी सीख लेंगे ये वो भी, तो उसके बाद में आप बनाएंगे, तब तक आप अपना काम करते रहते। प्रेजेंटेशन आखिरी होगा लेकिन ये आपका काम होगा, या तो आप रिसर्च पेपर वो सॉरी सिनॉप्सिस, या फिर आपके जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें से किसी एक चीज का आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और ये जो सिनॉप्सिस होगी ये वो सिनॉप्सिस नहीं होगी जिसके ऊपर ट्रू सिनॉप्सिस नहीं है, जिसके ऊपर आप फाइनली रिसर्च करने जा रहे हैं, वो टॉपिक और वो सिनॉप्सिस आपकी जो ओरिजिनल ओरिजिनली जिस पर आपको काम करना है वो आपके जो रिसर्च सुपरवाइजर हैं उनके साथ जब अलॉटमेंट हो जाएगा तब, ठीक है। ये प्रैक्टिस सिनॉप्सिस है और हम आपको इतना सिखा देंगे। मैम आपका जो लिखना था वो रिसर्च पेपर, मैम वो पेपर पे लिख सकते हैं या फिर उसकी बड़े आराम से एक पेपर लीजिए और उसके ऊपर आप हाथ से लिख करके मुझे दे दीजिए, फोटो क्लिक करके वो भी चलेगा, और अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे टाइप कर पा रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, गूगल के थ्रू टाइप कर रहे हैं तब भी बहुत अच्छा है, जैसा आपको कंफर्टेबल लग रहा है, हमने आपको बिल्कुल फ्री किया हुआ है। उसमें आप पिक्चर्स इंक्लूड करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, जो वो सारा चीज आपके ऊपर है, ठीक है। अब एक पिक्चर है उसमें से कोई एक टॉप, उस पिक्चर पर आपने एक कोई टॉपिक उसमें से निकाला है उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उस स्टाइल की और पिक्चर्स इंक्लूड हो सकती हैं, उस आर्टिस्ट की और पिक्चर्स इंक्लूड हो सकती हैं, उस एरा की और पिक्चर्स इंक्लूड हो सकती हैं जो कुछ उस आर्टिस्ट या उस स्टाइल या उस जो आप पर्टिकुलर जो एरिया आप चूज कर रहे हैं रिसर्च पेपर लिखने के लिए उसके बारे में बताएंगे, ये आपका रिसर्च पेपर होगा, ठीक है। और जो भी डेटा आप कहीं से ले रहे हैं उस डेटा को आप कोट जरूर करेंगे, मैंने जितना पेपर्स थे वो सारे मैंने शेयर कर दिए थे साइटेशन के, आप उसको पढ़ लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर लीजिए, पर कंफ्यूज्ड मत रहिए। हमने तो ऐसे देखा था और हमने सोचा ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसा सोच के गलत करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों की क्लासेस तो चल रही है ना, एग्जाम में गलती हो सकती है, क्लासेस में गलती नहीं होनी चाहिए, आप बार बार पूछ सकते। और फिर इसके बाद में आपको फिर इंडियन मॉडर्न आर्ट में क्रिटिसिज्म किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से मतलब आर्ट के बारे में लिखना शुरू किया गया, और आर्ट एप्रिसिएशन कैसे शुरू हुआ इंडियन आर्ट में और वेस्टर्न आर्ट में, वो चीजें बताऊंगी। हाँ, वो एक आपका यूट्यूब का वीडियो भी मुझे अभी शेयर करना है, एक दो दिन में कर देती हूँ, वो मुझे यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा। मैम क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही हैं, जस्ट वेट, हम एक बार मैम से बात करते हैं, ठीक है।
मैम को अभी देर लग रही है, तब तक आप अपने क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। मैम तब तक फोटो दिखा दीजिए जिसको बनाना है रिसर्च पेपर। वो बताया बेटा कि क्लास के बाद कर देंगे, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास में। ठीक है। मैम वो आपने जो रिसर्च पेपर लिखना था उसका फॉर्मेट आपने लिखवा दिया था कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है हमें, वो टॉपिक्स तो फॉलो अप किए जाते हैं, अभी एक जनरल पैटर्न वही है रिसर्च पेपर्स का। तब तक आप एक काम करिए, गूगल पर सर्च करिए कि कौन कौन से ऑनलाइन जर्नल्स आपको मिलते हैं पब्लिकेशन के लिए। आपको पब्लिश नहीं करना है उनमें, केवल मुझे बताना है कि ये मिला है मुझे, और मैं आपको बताऊंगी कि किसमें आपको पब्लिश करना है, ठीक है। या फिर आपके आसपास कोई जर्नल हो जहां पर 1-2 महीने में पब्लिश हो सकता हो पेपर, ठीक। मैम हम लोग आपको एक बार पूरा बना के सेंड करेंगे, फिर उसमें जो गलतियां होंगी वो आप हमें बताइए। हाँ, अगर मुझे लगेगा कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, या यहाँ पर बच्चा ये और अच्छा कर सकता है, या ये टॉपिक मिस हो गया, या इस टॉपिक में उसको ये लिखना था, बेसिकली तो मुझे ये चेक करना है कि इस टॉपिक में उसको ये लिखना, 1,500 वर्ड्स तक चलेगा, 2,000 वर्ड्स तक चलेगा। इतने सारे टॉपिक्स हैं, आप थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे तो वो 2,000 वर्ड आराम से हो जाएगा। हम सारे टॉपिक को मिला के लिखना है किसी एक टॉपिक पे लिखना है जितना आपने बताया। कितने कंफ्यूज्ड हो आप, मैंने क्या बताया? मैंने आपको फाइव पिक्चर्स दिखाई नहीं और मैंने कहा कि आप एक्चुअली कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट करिए, उस एक पिक्चर में भी, एक फोटोग्राफ में भी, एक जो पेंटिंग या एक आर्ट वर्क कोई भी आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से भी आपको अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है। एक ही आर्ट वर्क के ऊपर 5 बच्चे कर रहे होंगे, सबके टॉपिक्स अलग अलग होने चाहिए। आपको अपना टॉपिक उस आर्ट वर्क में ढूंढना है। कोई स्पेस पे करेगा, कोई पर्सपेक्टिव पे कर सकता है, कोई स्टाइल पे कर सकता है, कोई फॉर्म पे कर सकता है, आपको ढूंढना है। समझ गए? मैम कलर से भी कर सकती हूँ, मैम ने ज्वाइन कर लिया। हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ कलर्स पे भी कर सकते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल, कलर्स में भी कर सकते हैं, वेलकम बैक मैम। मैम आप अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक। हेलो, हाँ हाँ हो गया, ठीक है, थैंक यू। अब आप कंटिन्यू करिए मैम। वो अभी वैसे तो 7 o'clock हो गया है, लेकिन आप अपनी क्लास पूरी करिए। एक्चुअली क्या है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ जाती है ना बच्चों कई बार, तो ये ऑनलाइन क्लासेस की यही ड्रॉबैक है। वैसे ऑनलाइन में इतना मजा आता भी नहीं पढ़ाने में जितना कि ऑफलाइन में आता है, कि आई टू आई कांटेक्ट होता है तो वो देख पाते हैं सही से। तो हम बात कर रहे थे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की, उसी पे हुआ था ना अगेन की एक ट्रेंड एब्स्ट्रैक्ट में, फिर कई सारे हमारे फेजेस आ गए थे, ओ पार्ट पो पार्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट के फेजेस हैं, और काइनेटिक आर्ट जैसे। तो उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट रहे हैं जिसमें शिला मिखीजानी रही हैं, एक शाम्भवी भी रही हैं, श्यामल दत्त राय हैं, शैल चोयल हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट में ही, और इनके फादर भी थे शैल चोयल के पहले पीएन चोयल, इन्होंने भी एब्स्ट्रैक्ट में ही बहुत काम किया। पीएन चोयल की पेंटिंग शायद आपने देखी होंगी, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं आर्टिस्ट। और इसके अलावा इसके
इस समय के जो मोस्टली आर्टिस्ट हैं, फिर उसके बाद जो दूसरा ट्रेंड हमें आया वो ग्राफिक का, हाँ ग्राफिक तक हम पहुंचे थे शायद से ना, ग्राफिक में अब बहुत सारे कलाकार ग्राफिक में ही काम करना ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी विधाएं, इसमें सरलता यह है कि एक ही पेंटिंग से बहुत सारे प्रिंट काम आ जाते हैं, तो ग्राफिक की बहुत सारी विधाएं इसमें, प्रिंट मेकिंग, एचिंग, एंग्रेविंग, लीनो कट, वुड कट, तो सब में अपने अपने अलग अलग तरीके के काम किए जाते हैं। पर चूंकि ग्लोबलाइजेशन के तहत अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में आजकल ये चल रहा है कि ग्राफिक कलाओं को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है अपेक्षाकृत जो पेंटिंग है, पेंटिंग का एक सब्स्टिट्यूट हो गई है ग्राफिक आर्ट्स। और ग्राफिक में काम करने वाले जो मुख्यतः एक अनुपम सूद कलाकार हैं, जो जिनका बड़ा नाम है, तो कुछ कलाकार बहुत उसमें क्रिएटिव काम करते हैं, और ज्यादातर जो ग्राफिक में भी जो मेन जो फोकस है कलाकारों का वो एब्स्ट्रैक्ट पर ही है, उसमें भी आपको ज्यादा रूपाकार नजर नहीं आएंगे। तो ग्राफिक प्लस एब्स्ट्रैक्ट दोनों फेज आज के बिल्कुल करंट जो चल रही है, और उसमें नए नए प्रयोग कलाकार अपनी आधुनिक उसके हिसाब से सोच के साथ, आधुनिक सोच के हिसाब से अपने आधुनिक मतलब उसमें कुछ ना कुछ, या तो वो माध्यम का नया कुछ क्रिएट करते हैं। तो आज की कला जो है वो प्रयोगवादी हो गई है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक नया ट्रेंड आया है कलाओं में, नए नए प्रयोग का आ गया है, जिसमें मिक्स मीडिया भी अपने आप में एक नया प्रयोग है। तो कलाकार जो ग्राफिक में भी काम नहीं कर रहे हैं तो वो हर मीडिया को अब एक मिक्स मीडिया वाला जो नया ट्रेंड आया है कि पहले कलाकार अपना एक माध्यम चुन लेता था, उसी माध्यम में काम करता था, या तो वो जल रंग अपनाता था, या तो वो तेल रंग अपनाता था, या वो एक्रेलिक का भी एक दौर चलाया अभी रिसेंट, पहले तो जल और तेल रंग का ही लगभग ये हम ईयर माने 2000 के आसपास से मिक्स मीडिया का एक नया ट्रेंड हमारे सामने देखने को आया, नई प्रवृत्ति है कि एक कलाकार केवल एक माध्यम में बंध के काम करना नहीं चाहता, उसने अपनी आजादी लेनी चाहिए कि एक ही माध्यम में मतलब क्यों काम किया जाए। अगर हम ऑयल कर रहे हैं तो ऑयल के ऊपर एक्रेलिक भी कर लेते, क्योंकि एक्रेलिक एक ऐसा एक्रेलिक, वास्तव में ये एक्रेलिक कलर के आने से ही ये रिवोल्यूशनरी आइडिया है, रिवोल्यूशन हुआ एक तरह से, क्रांतिकारी परिवर्तन आया है चित्रकला के क्षेत्र में कि एक्रेलिक कलर के आने से आया। और जो इसका रीजन भी है क्योंकि वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं और किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल है, किसी भी सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल होने के कारण ये नया थीम आ गया कि अब कलाकार वाटर कलर के साथ भी उनको यूज कर रहा है, ऑयल के साथ भी उनको यूज कर रहा है, पेस्टल्स के साथ भी उनको यूज कर रहा है, और इसके साथ साथ दूसरी चीजों को भी के साथ भी इसको लगातार कलाकार यूज कर रहे हैं। तो माध्यम के रेंज को बढ़ाने के लिए एक क्रांतिकारी जो ट्रेंड आया है प्रयोगवादी इस कला के दौर में, वो है माध्यमों का मिश्रण। तो मिश्रित माध्यम भी अपने आप में एक नया ट्रेंड हमें आज आधुनिक कला में देखने को मिलता है। दूसरा, इसके साथ ही एक नई प्रवृत्ति भी जगी कलाकारों में इसी बीच में 2000 के आसपास से ही, कोलाज। हालांकि कोलाज पहले भी बनाए जाते रहे हैं, कोलाज पेंटिंग ये भी अपने आप में एक नया ट्रेंड है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कलाकार कोलाज में भी काम करते हैं, चाहे वो कुछ लोग तो टोटली उसको कोलाज ही बनाते हैं, कुछ लेकिन उसके साथ भी प्रयोग करते हैं, कुछ उसमें कुछ कुछ मिला के मतलब कुछ कलर कलरिंग भी कर लेंगे कुछ एरिया में और कुछ में चिपका के। तो ये बेसिकली शुरुआत हुई थी पेपर की कटिंग कतरनों से मिला के, या किसी और कपड़े की कतरने भी चिपका चिपका के एक नए फॉर्म्स देने की। तो आपके यहाँ तो एक पेपर भी पढ़ाया जाता है क्या कोलाज का, रहा है पीजी में कोलाज में काम किया है? नहीं किया बिल्कुल भी? कोलाज आर्टिस्ट अलग से होते हैं जो कोलाज में ही काम करते हैं? पढ़ा है, किया नहीं है, केवल पढ़ा है, किया नहीं है। कोलाज कोलाज में भी अपने आप काम करने का एक नया
एक्सपीरियंस होता है, तो उसमें रंग बिरंगी कतरनों को चिपकाकर, कागज की कतरने भी हो सकती हैं, कपड़े की भी हो सकती हैं, इवन कुछ मटेरियल भी चिपका सकते हैं, कुछ जैसे बाजार में रेडीमेड कुछ मटेरियल मिलते हैं, नहीं तो बटन, रस्सी, सुतली और ऐसे मतलब चिपकाने वाले आइटम चिपका के और क्रिएटिव पेंटिंग इसमें बनाई जा रही है, और एब्स्ट्रैक्ट कोलाज में फिगरेटिव वर्क भी हो रहा है और एब्स्ट्रैक्ट भी हो रहा है। अच्छे ये एक अच्छी नई मतलब ट्रेंड चला, और ये पिछले दशक में बहुत प्रभावशाली रहा है, पिछले दशक में बहुत सारे कलाकारों ने इसमें काम किया। इसमें एक का नाम मुझे याद आ रहा है अभी फिलहाल, शिबू, कमल शिबू करके नाम था, शिबू कमल कृष्ण भी आर्टिस्ट, हाँ कमल कृष्ण का भी है, शिबू का नाम भी है इसमें। तो वो आर्टिस्ट मतलब फिगरेटिव वर्क भी करते हैं इसके अंतर्गत, फिगर्स भी बना देते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी, एक्सप्रेशन की बात है कि वो अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये कोलाज भी पहले से भी मतलब पहले इसको कोलाज नाम से नहीं जानते थे, पहले जो कलाकार थे कभी कभी कुछ चिपका के या कुछ ऐसा काम किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसको कोलाज नाम दिया गया, और ये कुछ भी सामग्री को चिपका कर चित्र बनाने की विधा कोलाज कहलाई, और इसमें नई प्रवृत्तियां ऐड होती गई, और इसमें भी बहुत सारे प्रयोग कलाकारों ने किए हैं। एक और नया प्रवृत्ति जो आजकल आधुनिक चित्रण में देखने को मिलती है वो है, अभी दिमाग में आ रही थी मुझे, कविताओं के साथ चित्रण करने की, कविताओं पे आधारित चित्रण करने की, ये प्रवृत्ति भी बलवती हुई, और कुछ कलाकारों ने खुद की भी कविताएं लिखी हैं और उसके ऊपर चित्र बनाए हैं। अभी मैं देख रही थी तो उसमें जैसे कि एमएफ हुसैन ने भी काम किया है कविता के ऊपर, और जगदीश स्वामीनाथन ने कविता लिख के, मतलब वो कवि और कलाकार दोनों बनने की एक प्रवृत्ति जगी कलाकारों में कि हम लिखें और उसी जो लिखा है उसी के ऊपर चित्रण कार्य करें। तो कवि और कलाकार साथ में चलने की एक ट्रेंड पिछले दशक में, दो तीन दशकों पहले से चला, और ये विधा भी मतलब ये प्रवृत्ति भी कलाकारों में काफी बलवती हुई, और बहुत सारे कलाकारों ने इसमें काम किया, जैसे कि मैं कुछ के नाम अभी बता दे रही हूँ आपको, जो कवि और कलाकार दोनों के रूप में काम किया है। दो तीन तो मुझे याद ही आ गए, जिसमें एमएफ हुसैन का मैंने अभी जिक्र किया और जगदीश स्वामीनाथन का, और अभी देख के बता रही हूँ जरा, एक किताब में मुझे इसके बारे में देखने को देखा था मैंने, उसमें बहुत सारे नाम दिए हुए थे कवि और कलाकार करके। जब जो ये कवि और कलाकार वाला कार्य है, ये पिकासो से हमने देखना शुरू किया था, पिकासो ने भी अपने कुछ चित्र कविताओं के ऊपर लिखे हैं, बनाए हैं। सूजा, सूजा एक कलाकार है इसमें, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने भी अपने उनके मतलब कविताओं पे चित्र बनाए हैं। मोहम्मद गुलाम शेख हैं, उन्होंने बनाए हैं। अनीता वर्मा हैं, विनोद कुमार शुक्ल हैं, कुछ कलाकारों के नाम तो बहुत फेमस हो जाते हैं, जिसमें कि सूजा का है, सूजा ने बहुत काम किया इसमें चित्रों पे, और जगदीश स्वामीनाथन ने वो पहाड़ और चिड़िया की एक सीरीज भी बनाई और उसी पे कविताएं भी लिखी।
एक नया ट्रेंड और देखने को जो मिला है वो है मोस्टली हम सभी की बात कर चुके हैं, और इसमें एक कला वाला हो गया आपका। जो बात कर रहे थे तब आप उस उनकी क्या नाम लिया था ए रामचंद्रन, तो वो भी एक ट्रेंड चला था उस समय कि जो पुरानी कथाएं हैं, पौराणिक हैं या ऐतिहासिक हैं, उनकी पूरी की पूरी सीरीज बनाने का। तो बहुत सारे कलाकारों ने फिर सीरीज में ही काम करना शुरू किया, तो जिसमें एमएफ हुसैन ने भी कई सारी सीरीज बनाई, जगदीश स्वामीनाथन ने बनाई जैसे पहाड़ चिड़िया वाली सीरीज। उसी से मुझे याद आया कि सीरीज में काम करने का पहले ये प्रचलन नहीं था, लेकिन ये ट्रेंड 1990 के आसपास आया कि कलाकारों ने सीरीज पे काम करना शुरू किया, और एक चित्र जब उन्होंने बनाया तो उसकी कई सीरीज बना के काम किया है। और इसमें मोस्टली बहुत सारे कलाकार, ये जो आपके ये कश्मीरी कलाकार हैं जिनका नाम मैं पहले ले रही थी, जी आर जे संतोष। आर संतोष, इन्होंने भी पूरी सीरीज बनाई है चित्र की, और मदर टेरेसा नाम से सीरीज एम एफ हुसैन ने बनाई है, उन्होंने पूरी मदर टेरेसा की, और एक गजगामनी, हाँ एक फिल्म बना, फिल्मों पे काम करने का और फिल्म के साथ पेंटिंग बनाने का भी एक ट्रेंड रहा है, जिसमें कि विनोद बिहारी मुखर्जी, तैयब मेहता और एम एफ हुसैन, इन्होंने फिल्मी जगत के साथ जुड़ के और उसके साथ उसके या तो उसके ऊपर कोई चित्र बनाए या अपनी चित्रों को लेके फिल्म बनाने की विधा वो ट्रेंड को एक नया जन्म दिया। हालांकि ये बहुत ज्यादा इस पे कला इतना काम नहीं हुआ है, और गिने चुने 5-7 कलाकार ही इसमें आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। जबकि और ये जो आपकी वैसे सीरीज वाले है कि सीरीज शब्द और प्रतीक करके एक कलाकार हुए केसीएस पनिक्कर, उन्होंने मोस्टली अपने चित्रों की शब्द और प्रतीक की बहुत लंबी श्रृंखला बनाई है। केसीएस पनिक्कर का नाम सुना होगा आपने, मद्रास के आर्टिस्ट हुए हैं, अब मैं ज्यादातर यस सभी ट्रेंड की बात आपसे कर चुकी हूँ, अब इसमें कुछ आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए, कोई चीज ना समझ में आई हो। मैम, वो जो आपने फैंटेसी के बारे में बताया था कि वो एक कल्पना पे आधारित होता है, तो क्या मैम उसको हम कॉन्सेप्चुअल आर्ट के अंतर्गत रख सकते हैं? हाँ, वो फैंटेसी ट्रेंड बोला गया है कि जी फंतासी के जी ऊपर, तो थोड़ा थोड़ा सा अति यथार्थवाद से ही उसकी प्रेरणा आई है। मैंने बताया था ना कि अति यथार्थवाद से आई है उसकी प्रेरणा, तो उसमें चीजों को जो रियल में है, रियल से भी ज्यादा रियल दिखाने के चक्कर में तोड़ मरोड़ के और उनको पिघलता हुआ जैसा प्रस्तुत करने का कलाकार प्रयत्न करता है। और कोई ट्रेंड ऐसा कि भाई ये तो समझ नहीं आया हमने, हमने कभी इसके बारे में सुना नहीं है, इस तरह का देखा नहीं, कोई और कलाकार जिसको आप जानना चाह रहे हो? कोई क्वेश्चन, इतने जैसे इतना काफी देर से मैंने बताया तुम्हें और लगभग 20-25 ट्रेंड के ऊपर हमने बात की है जो आधुनिक कला में हमें देखने को मिल रहे हैं। मैम, आपने सूफीवाद के बारे में बताया, तो उसमें अर्पणा कौर के बारे में बताया, सूफीवाद में और किसी आर्टिस्ट ने काम किया है या अर्पणा कौर? हाँ, किया तो है थोड़ा सा उसमें, मेरे ख्याल से मंजीत बाबा ने भी किया है, मंजीत बाबा का भी काम उसी, उन्होंने जो कृष्ण वाली सीरीज बनाई है, मतलब प्रयोग कर करके कलाकारों ने इन प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। और एक
किसी ने ये नहीं कि एक ही प्रवृत्ति को अपनाया है, कईयों ने उन्हें भी मिक्स करके अपना लिया, जैसे माध्यम की में मिक्स हुआ है ना, माध्यम में भी कलाकार स्वतंत्र हुआ है। जैसे जैसे मतलब समय आगे बढ़ता जा रहा है तो कलाकार एक चीज में बंध के नहीं रहना चाहता और वो नए नए प्रयोग करके हर चीज की स्वतंत्रता चाहता है कि क्या वो, और इसका जन्म किससे हुआ है, क्रिएटिविटी। जितने हम क्रिएटिव होते जा रहे हैं उतनी ही उसमें और ज्यादा प्रयोग और ज्यादा नई चीजें निकल के आ रही हैं, और ज्यादा स्वतंत्रता कि एक चीज में बंध के। पहले कलाकार क्या था, चित्र बनाना है तो बस चित्र ही हाथ से ही ड्रॉ करेगा, वो पहले ड्रॉ करेगा फिर उसमें कलरिंग करेगा। अब ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं एक हाँ एक प्रवृत्ति और, वो मैं भूल रही थी, देखिए बात करने से याद आ जाती है। तो एक प्रवृत्ति है टेक्सचरल इफेक्ट की प्रवृत्ति, तो ये भी एक नई प्रवृत्ति। पहले कहीं इतना ज्यादा, जो पुराने आप पेंटिंग्स देखो भारतीय चित्रकला के इतिहास में नजर डालो तो टेक्सचर का इतना महत्व हमें उसमें दिखाई नहीं देता, जो कि आज के नई पेंटिंग में टेक्सचरल इफेक्ट का ज्यादा महत्व दिया जाता है अपेक्षा के आकार के, फॉर्म के। फॉर्म गौण होता जा रहा है और हमारी पेंटिंग्स में आधुनिक चित्रकला में टेक्सचरल इफेक्ट, पोत के इफेक्ट को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। कुछ कलाकार तो केवल टेक्सचर डाल के ही उसे एब्स्ट्रैक्ट के नाम पे पेंटिंग प्रस्तुत कर देते हैं। देखिए है ऐसी पेंटिंग भी जिनमें हमें केवल एक टेक्सचर ही दिखाई देता है, तो टेक्सचरल इफेक्ट को और अधिक प्रभावशाली बनाने की प्रवृत्ति आजकल कलाकारों में बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि नए नए इसके ऊपर नए नए प्रयोग हो रहे हैं, कहीं कुछ लगा के चिपका के नए नए, मतलब कोई भी साधन, कोई तरह तरह के ब्रश, ब्रश के स्थान पे भी कुछ और चीजें जिससे कि, और ये आपका टेक्सचर वाइट वगैरह से कहीं मोटा कलर, इम्पेस्टो की मोटे कलर से मुझे ध्यान आया कि इम्पेस्टो में भी काम करने में कलाकार ज्यादा आनंद लेते हैं क्योंकि उससे एक नई रचनात्मकता का की शुरुआत होती है। इम्पेस्टो जानते हो आप, इम्पेस्टो पढ़ा है कभी? यस मैम, कई सारे लेयर्स होती हैं, लेयर्स ही नहीं कह सकते हम उन्हें, जरूरी नहीं कि कई सारी मोटा मोटा लगा स्पैचुला से या नाइफ से मोटा मोटा लगा के, और एक टेक्सचरल, वो टेक्सचर से की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो रहा है ना, टेक्सचर की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है कलाकारों का, तो उसी टेक्सचर को और एक्सप्रेस करने के लिए इम्पेस्टो टेक्निक है ये, तो एक इम्पेस्टो। तो ये टेक्सचर जो प्रवृत्ति मैं बता रही हूँ कि टेक्सचर ध्यान जाने की प्रवृत्ति में इम्पेस्टो टेक्निक को उन्होंने अपनाया है। इम्पेस्टो में एक कुछ कलाकारों ने तो कलर्स को मोम में मिला के ताकि वो और मोटे और जल्दी से चिपक जाएं, तो ज्यादा मोटा इफेक्ट आया, तो कुछ ने तो मोम में मिला के इम्पेस्टो का इस्तेमाल किया तो वो एक अलग टेक्सचर बना, और कुछ ने नीचे टेक्सचर वाइट की लेयर लगा के टेक्सचर वाइट को अलग अलग अपने क्या कहेंगे इंस्ट्रूमेंट्स या अलग अलग चीजों से जो एक उसके चक्कर में, जो नीरेन सेन नाम सुना होगा आपने, कलाकार हैं अभी के नीरेन सेन, गुप्ता नीरेन सेन है, और एक और अभी बहुत काम देखा है मैंने, उनका नाम भूल जाती हूँ मैं अक्सर, कृष्ण खन्ना जैसे कलाकार हैं, तो उन्होंने ये तो वैसे मोस्टली सभी कलाकारों में जो आजकल के आपके रिसेंट न्यू आर्टिस्ट हैं उन्होंने मोस्टली ये सबने टेक्सचर इफेक्ट को अपनी पेंटिंग में देने के लिए नए नए प्रयोग किए हैं, और उसमें इम्पेस्टो में भी नई नई तरीके से, जैसे कि ये टेक्सचर वाइट का इस्तेमाल करना, मोम का इस्तेमाल करना, और उससे नए इफेक्ट क्रिएट करने के लिए चित्र को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए और अपनी रचनात्मकता को दिखाने के लिए इस तरह का मतलब। और दूसरा, कलाकार में एक होड़ लगी हुई है कि हमें अपने आप को नया, कुछ नया करके दिखाना है, तो नए करने की चाह ने नई नई प्रवृत्तियों को आज हमारे सामने लाकर खड़ा किया है।
और कुछ क्वेश्चन आपके? अब आप पूछोगे तो मैं बताऊंगी, लगभग सारी जो इस समय के ट्रेंड हैं वो हम बात कर चुके हैं। नो क्वेश्चन? मैम न्यू ट्रेंड में मॉन्यूमेंटल आर्ट भी आ जाएगा, जैसे अनीश कपूर ने बहुत सारे काम किए हैं। हाँ, अनीश कपूर ने तो मॉन्यूमेंटल तो पहले से ही मतलब जैसे पब्लिक आर्ट एक तरीके से, और का नहीं है ना उसमें कोई ट्रेंड का, मतलब जिसे कुछ और लोग भी फॉलो कर रहे हो, सभी एक मतलब फॉलो कर रहे हैं जब उसमें बहुत सारे लोग उसे, तभी तो वो ट्रेंड बनेगा। एक ने कर लिया और उसने छोड़ दिया, जैसे किकी धुर्रम ने किया है उस पे कार्य, और उसके अलावा भी दो तीन आर्टिस्ट और हैं जिन्होंने काफी कार्य किया है उस पे। ये मॉन्यूमेंटल आर्ट जो है ये करंट ट्रेंड में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अभी इस पे बहुत ज्यादा वर्क हुआ नहीं है, धीरे धीरे अभी ये बिल्कुल ही करंट है, तो हो सकता है कुछ और कलाकार इसे अपने अपना ले तो अपने आप में ये भी एक बन जाएगा ट्रेंड धीरे धीरे। ओके, सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है तुम्हें आर्टिस्ट जो, और या कौन सा ट्रेंड इनमें, जितने इतने सारे मैंने ट्रेंड बताए आपको लगभग 20 के आसपास, तो इनमें कौन सा जो प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति ट्रेंड कह लो या प्रवृत्ति से आप ज्यादा प्रभावित हैं, या ये लगता है कि हाँ ये वास्तव में होना चाहिए था और कितना अच्छा हमें, मतलब इसके चित्र हमें ज्यादा अच्छे लगे हैं, या कुछ भी था जिसे? हाँ, ए रामचंद्रन। अच्छा, वो तो वैसे खैर अपनी जो कहना चाहिए क्लासिकल आर्ट है, अपनी अजंता वगैरह से ही प्रभावित हैं, वहीं से उनके फॉर्म्स हैं, और इवन जो उन्होंने नेचर भी पेंट किया है तो नेचर भी आप देखेंगे कि वो अजंता से प्रभावित है, उनके नेचर बहुत ज्यादा उन्होंने पेंटिंग में अपने आकार, मतलब जो फॉर्म्स है वो भी वहीं से उनके प्रेरणा ग्रहण किए हुए लगते हैं, और नेचर तो बेसिकली ऐसा ही लगता है, बस थोड़ा सा वो आधुनिक है, अदरवाइज अजंता की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और कौन से कैसे आप बताओ कोई और? कोई और क्वेश्चन नहीं? मैम एक क्वेश्चन है। नहीं मैम, आर्ट ओपेरा किसे कहते हैं? आर्ट ओपेरा कई जगह मैम आर्ट ओपेरा भी है और कई जगह आर्ट ओपरा भी लिखा हुआ है, तो वो इसका तो नहीं, आर्ट ओपरा और आर्ट ओपेरा तो मेरे ख्याल से यूरोप में एक वो है, इसका क्लब टाइप से है जी। और कुछ? अजंता की परंपरा में अभी किसी ने बात की ए रामचंद्रन की, राम गोपाल विजय वर्गीय के चित्र देखे हैं कभी? कि वो नहीं अच्छे लगे? देखा है मैम, उसी परंपरा में है वो भी, उन्होंने भी वहीं से
काफी कुछ प्रेरणा ग्रहण की है, राम गोपाल विजयवर्गीय। वो छायावादी कलाकार है राजस्थान के। हाँ तो पर उनकी फिगर्स भी बिल्कुल काफी कुछ वहीं से रिजेम्बल करती हैं। यस मैम, पौराणिक कथाओं पर ज्यादा काम किया है उन्होंने। हाँ, वही उन्हीं की तरह तो काम किया है, रामचंद्र टाइप से ही है उनका भी काम, क्रिएटिव काम किया है सारा। और अच्छा लगता है जैसे इनका है तो आधुनिक काल में जो कुछ कलाकार, मतलब जैसे कि अमूर्त हम ज्यादा कलाकारों का देखते हैं, लेकिन जो फिगरेटिव काम करते हैं वो हमारी पुरानी जो प्राचीन कला इतिहास है वहीं से, जो उनका जो स्वर्णिम युग रहा है अजंता का मेन, तो वहीं से उन्होंने प्रेरणा ग्रहण करके आज के दौर में अपने फिगर्स को अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशन के साथ प्रस्तुत किया है। तरीका वही है कंपोजिशन करने का, नेचर फिगर सब उसी तरह से लिए हैं उन्होंने। उन्होंने उनकी बात की तो मुझे उनका नाम याद आ गया। और कोई क्वेश्चन करना चाहे? ये आपका कब से चल रहा, कितने दिनों से चल रही है ये क्लासेस अभी? वन वीक हो गया। पहले तो मतलब जिस यूनिवर्सिटी में मैं थी, CCS चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, तो हमारे यहाँ तो ऑफलाइन थी ये क्लासेस, और अब तो जैसे कि कोरोना वगैरह का, तो कोरोना के टाइम में रही होंगी और रही है ऑनलाइन, पर अब तो नहीं है कहीं भी, तो ये ऑनलाइन क्यों चला गई यूनिवर्सिटी में? कारण 6 महीने का है आपका कोर्स वर्क, तो आपका पूरा ही 6 महीने का ही माना जाएगा। मैम यहाँ पे सब बाहर से है ना, कई लोग अलग अलग जगह से, इसलिए। अच्छा अच्छा, स्टूडेंट्स बाहर के होने के कारण, तो बाहर से तो वहाँ भी थे। शुभम मैम जुड़ी हैं क्या? पार्ट टाइम PhD भी है इसी में। पार्ट टाइम का तो वैसे ही फुल टाइम होता है, 6 मंथ का कोर्स। तो मैम इसमें पार्ट टाइम पे ये पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया है। हाँ आपको मैम सेकंड टाइम है पार्ट टाइम के लिए। तो एक शुभम मैम जुड़ी है क्या? अभी नहीं जी मैम। हेलो, हेलो बोलो। हाँ जी मैम, मैं शुभम बोल रही हूँ। अच्छा हाँ शुभम मैम, ये ऑनलाइन क्यों चलाया गया है यहाँ यूनिवर्सिटी के द्वारा कोर्स? मैम आपकी क्लास ओवर हो गई है तो मैं रिकॉर्डिंग हाँ ऑफ कर दी।